गोविंदगढ़ कस्बे में गंगा मंदिर के पास स्थित जलदाय विभाग के क्वार्टर में बारिश का पानी भरने से कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमरे में पानी भरने से जल सप्लाई करने में परेशानी आ रही है। जलदाय विभाग के कर्मचारी ने बताया कि जर्जर कमरे में पंप सेट सहित अन्य उपकरण लगे हुए हैं, जिनमें हमेशा 3 फेज की लाइट आती है और नीचे फर्श पर बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी और कीचड़ जमा होने से कमरे में दलदल हो गई है, जिससे कमरे में जाना मुश्किल हो रहा है और उसी परेशानी के चलते पानी की सप्लाई करना मुश्किल है। अधिकारी सुनते ही नहीं है। जलदाय विभाग के जेईएन संजय ने बताया कि इस कमरे में रोड़े डलवाकर फर्श को पक्का करवा दिया जाएगा और कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। कमरा जर्जर हो रहा है, इसकी मरम्मत भी करवाई दी जाएगी। पूरे परिसर में कचरा मलवा डलवा दिया जाएगा और पानी की निकासी सुनिश्चित कर दी जाएगी। भाई इसमें पानी भरा पड़ा है चारों तरफ और ये गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है। और पास में ही ट्रांसफार्मर है जो कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल नजदीक है और चारों तरफ से डैमेज ये हो गया है। 3 फेज इसमें भीतर लाइट है, बताओ कैसे सप्लाई चलाएं, कैसे करें हम पे। इसमें भीतर 3 फेज में कभी भी लाइट आ सके, पानी के अंदर ही हमारा बोर्ड है जिसमें हम चालू करते हैं सप्लाई। इसलिए हमारा तो यही निवेदन है, किस भी तरीका से हमारी सुनवाई करें, नहीं कोई सुनने वाला यहाँ है ही नहीं। नाम क्या है आपका? रमेश चंद्र। क्या पोस्ट है आपकी? मेरी पंप चालक सेकंड।